नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एविद्या चैनल नंबर 10 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज के इस सत्र में हम अपने कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए लेकर आए हैं उर्दू सब्जेक्ट का एक टॉपिक, एक अफसाना जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है भोला। और ये टॉपिक, ये पाठ पढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी आज की मेहमान, हमारी आज की विशेषज्ञ, जिनका तारुफ आप सभी से मैं करवा दूँ। हमारे साथ जुड़ रही हैं बेबी तबस्सुम मोहम्मद उमर अंसारी, जो कि अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल सीएसटी मुंबई में शिक्षिका हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। और हम सत्र की शुरुआत करें और अपने छात्रों को इस सत्र से जोड़ें, उससे पहले कुछ जानकारियां ज़रूरी हैं जो आपके लिए देना है। 8800440559 मोबाइल नंबर है जिसके माध्यम से आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं इस सेशन के दौरान। और साथ ही साथ अगर आप के मन में कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप ईमेल के ज़रिए हम तक भेजना चाहते हैं, या कार्यक्रम के संबंध में आपकी कोई प्रतिक्रिया है, राय है, तो उसे आप हमें लिख सकते हैं। पता आप नोट कर लीजिए, dth.class10@cit.nic.in। आपकी स्क्रीन पर भी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर्स के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इन्हीं जानकारियों के साथ अपने दर्शकों का, अपने स्टूडेंट्स का मैं आग्रह करूँगा कि लगातार बने रहिए इस सेशन में। और भोला अफसाना क्या कहता है, क्या है ये अफसाना, क्यों आपके लिए आज हमने चुना है, आइए शुरुआत करते हैं। तो मैम, आपसे आग्रह यही, आप शुरू करें और हमारे छात्रों को और इंतजार न करना पड़े। थैंक यू सो मच सर। यस मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 9वीं जमात में भी इसी तरह का एक अफसाना पढ़ा था। 10वीं की किताब नवाए उर्दू में भी आपके लिए बहुत ही दिलचस्प अफसाना दिया गया है जिसका नाम है भोला। इसके राइटर यानी अफसाना निगार हैं राजेंद्र सिंह बैदी। तारुफ पेश कर रही हूँ। राजेंद्र सिंह बैदी तहसील डिस्का ज़िला सयालकोट में 1915 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम लाहौर में ली उन्होंने। यहाँ से 1931 में मैट्रिक पास किया। डीएवी कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट किया। तालिब इल्म की ज़माने से ही आपको उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी नज़में और कहानियाँ लिखने का शौक़ था। आपने ऑल इंडिया रेडियो, डाकखाने, फिल्मों में कहानियाँ लिखने का भी काम अंजाम दिया। इन्होंने कई अफसाने मजमूए लिखे। इनके 6 अफसाने मजमूए काफ़ी मशहूर हुए, दानावदाम, ग्रहण, कोकजली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, मुक्तिबोध। ड्रामे भी लिखे इन्होंने, नाम है बेजान चीज़ें, सात खेल, नॉवेल जो बहुत मशहूर हुआ जिस पर फिल्म बनाई गई, एक चादर मैली सी। इन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्मों में भी इन्होंने मकालमे लिखे यानी डायलॉग, मिर्जा गालिब, देवदास, मधुमती, अनुराधा, इनकी तख्लीकी सलाहियतों की वजह से काफ़ी मशहूर हुए। आप ये बता दूँ बच्चों के बेदी के अफसानों में हमें माहौल के मुतालिक, अपने इर्द गिर्द के मुतालिक जानने का ज़्यादा मौका मिलेगा। सर प्लीज पीपीटी प्रेजेंट कीजिए। यस मैम, पीपीटी हम प्रेजेंट कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। और अभी आपने शुरुआत में हमारे जो दर्शक, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपने बताया, जो इस अफसाना के अफसाना निगार हैं राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। और जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारे साहित्य में योगदान दिए, और ये जो योगदान था उनका कई जगहों पर निश्चित तौर पर कई कुछ फिल्में भी उन पर बनाई गई, और इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो बेहद ज़रूरी है कि हम अपने छात्रों को इस अफसाना के बारे में, इस अफसाना की जो अहमियत है हमारे छात्रों के लिए, क्योंकि शिक्षा में जब भी कोई कहानी भी शामिल की जाती है, चाहे वो किसी भी जमात के बच्चों के लिए हो, तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ ना कुछ सबक मिला होता है, सबक उसमें शामिल होता है। तो हम शुरुआत करते हैं पीपीटी से। जी मैम, बेदी का अफसाना, तो इसके उनके अफसाने का फन क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तरक्की पसंद तहरीक से ही हमेशा वाबस्ता रहे, लेकिन इसके उसूलों के पाबंद नहीं थे। आज़ादाना तौर पर खुश उसलूबी के साथ अपने फ़न को जिला बख्शी। सामाजिक हकीकत निगारी, इंसान दोस्ती, दर्दमंदी, तबका की कश्मकश, घरेलू जिंदगी वगैरह मसाइल को अपने अफसानों में जगह दिया करते थे। गहरी समाजी मानवीयत,
इंसानी रिश्तों कदरों को, जिंदगी की तल्ख हकीकों को अपने अफसाने में जाहिर करते थे। कोई मामूली वाकया, हादसा, ख्याल, फिक्रा, समाजी अकीदा, तवाहम, परस्ती वगैरह को बुनियाद बनाया जाता था। और आप ये सभी जानते हैं कि भारत जैसे देश में, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी आपने सुना ही होगा कि छोटे मोटी जो अंधी तकलीदें हैं, जैसे कौवा काएं काएं करे तो मेहमान आने वाला है, ठीक इस अफसाने में भी इसी तरह की एक तवहम परस्ती या हम कह सकते हैं अंधी तकलीद का इस्तेमाल किया गया है। जज्बा एहसास से काम लिया गया है, दाखिलियत पर ज़्यादा जोर दिया गया है। यही नहीं, माशी पसमानदगी, नफसियाती उलझन, जिनसी पेचीदगी वगैरह को भी कहानियों का मौजू उन्होंने बनाया है। बेशतर कहानी यहाँ देवमालाई और अस्तूरी अनासिर पर भी मुश्तमिल हैं। कहानियों में मंतकी और नफसियाती दोनों रत्न मौजूद हैं। किरदार खारजियत से कहीं ज़्यादा दाखिलियत को असीर हो रहे हैं। भोला इसी समाजी अकीदे पर मुबनी है कि दिन के वक्त कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर छोटी मोटी अंधी तकलीदें जो हैं मानी जाती है, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो हमें रास्ता बदल देना चाहिए, ठीक इसी तरह कहानी में भी, कि आज की हमारे इस कहानी जिसका नाम है भोला, उसमें भी ये बताया गया है कि दिन में कहानी सुनाने या सुनने से जो है मुसाफिर रास्ता भटक जाता है। आइए आज की कहानी का खुलासा मैं आपके सामने पेश करती चलूँ। माया एक बेवा औरत है, उसका एक बेटा है भोला। वो अपने खुसुर यानी ससुर के साथ रहती है। इसका भाई हर साल इससे राखी बनाने आता है। भोला को बार बार ये बात बताई गई है कि बाबा जो है उसे रोज कहानी सुनाते थे रोजाना। एक रात थकते होने के बावजूद भोला ने कहानी सुनने का इसरार किया। उस दिन बाबा बहुत ज़्यादा थके हुए थे। भोला ने दूसरे दिन कहानी सुनाने का वादा ले लिया। दूसरे दिन दोपहर के वक्त कहानी सुनने वाले थे कि अचानक बाबा को काम आ पड़ा और वो कहानी नहीं सुना पाए। भोला जिद करने लगा कि दिन में कहानी सुनना है। बाबा ने कहा दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है, इसका जिम्मेदार भोला होगा अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया तो। बाबा ने भोला की कहानी सुनाई और अपने काम पर बाहर चले गए। वो राखी का दिन था। भोला के मामू उसके लिए मिठाइयाँ और बहुत सारा सामान लेकर आने वाले थे। भोला बहुत खुश था। रात हो गई कि मामू अब तक क्यों नहीं आए। भोला को याद आ गया कि दिन में मैंने अपने बाबा जी से बहुत इसरार किया था कहानी सुनने के, और बाबा जी ने मुझे कहानी सुनाई भी थी, तो कहीं उसके मामू रास्ता तो नहीं भूल गए। इसलिए माँ और दादा को सोता देखा हुए वो लाटन लेकर बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद माँ यानी माया की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि भोला घर में मौजूद नहीं है। माया रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। पास पड़ोस के लोग आ जाते हैं। लोग शक जताते हैं कि कहीं भोला को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया। थोड़ी ही देर में पता चलता है कि भोला के मामू उसे गोद में उठाकर लेकर आ रही है। सबको ये जानकर बहुत ही खुशी होती है और जान में जान आ जाती है। मामू बताते हैं कि काम की वजह से बहुत ज़्यादा देर हो जाती है इसीलिए, और रात भी काफ़ी हो गई है इसलिए उन्हें रास्ता समझ में नहीं आता और वो रास्ते के भटक ना जाएं, यही परेशानी में थे कि अचानक उन्हें सामने भोला लालटेन लाते हुए दिखता है। एक जगह रोशनी दिखाई देती है और वो उस तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ उन्हें कौन दिखता है? भोला। और वो घर की तरफ आ जाते हैं। भोला ने कहा इसे बाबा की बात याद आ गई थी कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है, इसीलिए वो अपने मामू को रास्ता बताने के लिए चला गया था। बच्चों आपको ये भी बता दूं, जैसे कि सबक में ये बताया गया है कि माया बेवा है तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने ससुर की खिदमत करने में निकाल दी थी। जैसे कि हमने सबक में देखा कि बच्चे हमेशा ही ज़िद करते हैं कि हमें जो है कहानी सुननी है, और इसी तरीके से भोला ने भी ज़िद की कहानी सुनने की, और कहानी इसके बाबा जी ने कहानी सुनाई।
लेकिन बच्चों के दिमाग में बातें घर कर जाती हैं। बाबा जी की बोली हुई बात कि मुसाफिर रास्ता भटक जाएगा, यानी उसने ये मान लिया था कि अगर उसके मामू जो अब तक नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं ये रात जो है नहीं आए, रात हो गई है, ये इसके कहानी सुनने की वजह से हुआ है। कहानी और ज्यादा दिलकश आपको तब समझ में आएगी जब इस कहानी यानी इस अफसाने को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन मरतबा पढ़ेंगे, गले आसानी से खुलती जाएंगी। आइए मैं आपको अफसाने की अज्जाए तरकीबी के बारे में बताती चलूँ कि अफसाने का प्लॉट और मौजू कैसा है। अफसाना पढ़ते वक्त इसकी अज्जाए तरकीबी पे ज़रूर गौर करिए कि प्लॉट वाकिया दर वाकिया जो है ताना दर ताना बनाते हुए जा रहे हैं। माजरा साजी बेहतर अंदाज में की गई है, यही नहीं बल्कि प्लॉट घुटा हुआ है। अफसाने को खुलासे में बयान किया गया है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। अफसाने में मौजू को बहुत ही ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए किरदारों को बांधा गया है। अफसाने में मुकम्मल तौर पे चार किरदार हैं, माया, भोला, बाबा जी और भोला के मामू। इन किरदारों को बड़े ही सलीके से बरता गया है और किरदारों ने अपना किरदार भी बड़े ही सलीकामंदी से अदा किया। मकालमे में सबसे बेहतरीन मकालमा अगर मैं कहूँ तो यह राजेंद्र सिंह बैदी ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मकालमों की वजह से भोला की नफ्सियात समझने में मदद मिलती है। जबान व बयान के एतबार से कहानी को बड़े ही आम फहम अंदाज में बयान किया गया है। यही नहीं आपको ये भी बता दूँ क्योंकि जबान व बयान का यहाँ पर बेदी ने खास ख्याल रखा है, इसीलिए कहानी में शुरुआत में ही बताया गया है कि माया सुबह से ही जो है वो मक्खन तैयार कर रही है। तो जब मक्खन तैयार करने का मतलब ही ये है कि माया को पता है कि उसका भाई उससे राखी बनवाने आने वाला है। जबकि हम ये जानते हैं कि जब रक्षाबंधन होता है बहनें जाती हैं भाई को राखी बांधने। चूँकि माया बेवा थी इसीलिए भाई आ रहा है माया के घर राखी बंधवाने ताकि वो उसे आश्वासन दे सके, उसे सहानुभूति दे सके कि अभी तेरा भाई जिंदा है और तेरी हर तरह से जो है तेरी मुसीबत परेशानी में तेरी मदद करेगा। यहाँ भोला का किरदार भी वाकई भोला है और शायद इसीलिए राजेंद्र सिंह बैदी ने अपने अफसाने का नाम ही भोला रख दिया। कहते हैं कि कितनी मजबूरियों को पलकों पे सजा लेते हैं, कितनी मजबूरियों को पलकों पे सजा लेते हैं, हम कहाँ रोते हैं हालात रुला देते हैं। जी हाँ, अफसाने में हालात को इस तरह बयान किया गया है कि माया और बाबा जी दोनों ही रोने लगते हैं। माया जिसकी पूरी दुनिया उसका बेटा इकलौता बेटा भोला है और बाबा जी जिनका जवान बेटा पहले ही जा चुका है उनकी दुनिया उनका पोता भोला है, दोनों ही इस भोले के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। और अगर ऐसे में उन्हें ये पता चले कि घर का चिराग जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी चल रही है वो घर में ही मौजूद नहीं, और उसके बाद दिमाग व दिल में अलग अलग ख्याल आना कि भोला कहीं गायब हो चुका है, अगवा कर लिया गया है, तो अब वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। सबक में इस चीज़ को भी बड़े ही दिलचस्प तरीके से लफ्जों के परोए में पुरोया गया है। यही नहीं, साथ में राजेंद्र सिंह बैदी ने बेवा की जिंदगी पर भी जो है बयान किया है कि माया ने सजना सवरना छोड़ दिया था, उसने उन तमाम चीज़ों को तर्क कर दिया था और बड़ी ही सादा और बेलौस जिंदगी गुजार रही थी। वो अपना पूरा ईमानदारी से माँ और एक बहू होने का फर्ज अदा कर रही थी, जिस तरीके से यहाँ इस सबक में बयान किया गया है। सबक के दरमियान बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, कई मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है, कई कहावतों का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि आपको जो है हमारे पीपीटी पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बेदी के फ़न के जायज़े में एक बहुत अहम चीज़ है कि इनकी जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। यही नहीं, बरमहल मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं और अफसाने का सबसे पसंदीदा किरदार जो है वो है भोला। तो अगर आपको भोले के अलावा
भी कोई और किरदार पसंद आता है तो जरूर बताइए। आप पूरे अफसाने का मरकजी किरदार जो है वो है भोला। अगर आपको अफसाना पसंद आया तो अफसाने का खुलासा मुख्तरसन लिखने की कोशिश भी कीजिए। आइए अब हम इसकी सरगर्मियों पे बात करते हैं। आपके लिए मैंने जो काम लिखा वो ये है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अफसाने में अंधी तकलीद यानी अंधी अकायद के ऊपर भी बात की गई है। ऐसी कौन कौन सी और अकायद हैं जिन्हें हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा है? मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने एक अफसाने के ज़रिए, जैसे कि अफसाने में बताया गया था कि कहानी दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भटक जाता है, मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारी छत पर या हमारी खिड़की पर कौवा आकर काएं काएं करे तो ये कहा जाता है कि कोई मेहमान आने वाला है। तो आपकी नज़र में ऐसे और कौन सी अंधी तकलीद अकायद हैं जिन्हों आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुना है, इन्हें आपको बताना है। यही नहीं, साथ ही साथ आपका इस अफसाने में सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा रहा? अफसाने को 2 या 3 बार पढ़ने के बाद आपको इसका मरकजी किरदार लिखना है और उसकी वजाहत भी करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और फिर कह रही हूँ, राजेंद्र सिंह वैधी ने अफसाने में इस बात का खास तौर पे ख्याल रखा है कि अफसाना नहायत ही आसान और सादा हो। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा वाक्या उठाया जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ हम देखते रहते हैं कि हमारे आसपास या माहौल से भी हम देखते हैं कि अफसाना हमारी करीबी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुताल्लिक रखता है। समाजी अकायद हमेशा ही हमारे सामने आते हैं और उसी पर हम जो है अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर भी करते हैं, जैसे कि अफसाने में बयान किया गया है। बेदी के अफसानों की एक खूबी ये भी है कि इनकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो कारी को मजबूर कर देती हैं कि वो इसमें मोह हो जाए, यानी कि कारी अफसाने में इस कदर जो है पसंद करने लगता है कि वो पूरी तरीके से अफसाना जब तक मुकम्मल ना कर ले उसे चैन नहीं मिलता और वो अपने अफसाने को मुकम्मल कर ही चैन पाता है। बेदी ने अफसाने में जज्बों और एहसास से काम लिया है, जैसे कि हमने देखा माया जब बच्चा जब उसका नहीं मिलता तो माया बहुत ज़ारो कतार होने लगती है, अपने बाल खोल लेती है और इस तरीके से कि बस अब वो बेहोश हो गई है और वो अब जीना नहीं चाहती। तो इस मंजर को भी बेदी ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। माशी पसमानदगी, जैसे कि इसमें बताया गया है कि बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना है, तो बाबा अपने काम की वजह से भोला को कहानी जो है वो नहीं सुना पाते हैं, लेकिन क्योंकि भोला उनका जान का टुकड़ा रहता है इसीलिए बहुत असरार करने के बाद भोला को वो दिन में कहानी सुना देते हैं। अब आपको ये कहानी कैसी लगी, आपने इसे कितना पसंद किया, आप बताइएगा ज़रूर। मैंने आपको काम दिया है कि आपको इस सबक से मुहावरे और कहावतें तलाश करनी है, साथ ही अपने ज़िंदगी में या आपके घर में या अपने कभी माहौल या समाज से कोई अंधी तकलीफ के बारे में सुना हो तो उसे ज़रूर जो है कलमबंद कीजिए और उसके ऊपर बताइए कि आपने क्या सुना जो आपकी इस कहानी से आप उसको मुतालिक कर पा रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अफसाना पसंद आया होगा और ये कहानी समझ में आई होगी जो मैंने आपको खुलासा मुख्तसरन बयान किया। ज़रूर इस सबक को 2 या 3 मरतबा पढ़ने की कोशिश करें ताकि सबक आपके लिए और आसान हो जाए समझने में। जी, आपने जिस तरह से समझाया है बच्चों को कि कहानी बहुत आसान है लेकिन फिर भी कई बार एक बार पढ़ने से उस कहानी का जो मकसद है, कहानीकार का जो उद्देश्य था लिखने का उस कहानी के पीछे, वो पहली बार में हो सकता है समझ में ना आए, और ख़ासतौर पर बच्चों को, क्योंकि बच्चे आमतौर पर उसका शाब्दिक अर्थ ही लेते हैं जैसा कि मैम ने भी बताया। तो एक बार नहीं, कई बार इस कहानी को पढ़ें, कई बार बहुत सरल चीज़ें बहुत गूढ़ अर्थों के साथ होती हैं, तो ये जो गूढ़ अर्थ होते हैं, जो डीप इन्फॉर्मेशंस होती हैं उन सरल भाषाओं में, सरल चीज़ों में, वो बार बार पढ़ने से, समझने से समझ में आती हैं।
और बिल्कुल सरल कहानी थी राजेंद्र सिंह बेदी की, भोला, जिसे आपने पढ़ी आज और मैम ने पढ़ाकर आपको बताया और साथ ही साथ ही ये समझाने का प्रयास किया कि क्या सबक मिलता है इससे। तो आशा करते हैं आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी और आज का ये सत्र पसंद आया होगा। और इसके साथ ही मैं अपनी आज की मेहमान बीबी तबस्सुम मोहम्मद उमर अंसारी मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने हमारे साथ जुड़कर हमारे छात्रों को ये पाठ पढ़ाया और अब चाहूँगा अपने दर्शकों से भी अनुमति, इजाज़त इस सत्र से। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए है जो नए पाठ्य सत्र की पाठ्य पुस्तकों के संबंध में है। आप जानते हैं नई शिक्षा नीति लागू किए जाने के बाद बहुत जगहों पर अभी नई पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंच सकी हैं और हो सकता है आप भी उनमें से एक हों जहां जिनके पास अभी नई पाठ्य पुस्तकें ना हों। तो अभी भी आपके सामने विकल्प मौजूद हैं, आप सेल्स काउंटर्स जो देश के अलग अलग शहरों में हैं यहां से प्राप्त कर सकते हैं। सेल्स काउंटर्स अवेलेबल हैं न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में। और ये सेल्स काउंटर्स सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं। सप्ताह के सातों दिन छुट्टियों के दिन भी आप यहां से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर घर बैठे पुस्तकें मंगवा सकते हैं। उसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए कहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यह है ncert.gov.in। और एक विकल्प और है, अगर आप चाहते हैं कि अपने फ़ोन में, मोबाइल या लैपटॉप में आप PDF वर्जन यानी सॉफ्ट कॉपी इन पुस्तकों की, पाठ्य पुस्तकों की डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन करना होगा हमारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस जो हैं NCERT, ई पाठशाला और दीक्षा। तो इन माध्यमों से, इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सॉफ्ट कॉपी अपने कक्षा की, अपनी अपने विषय की, पाठ्य पुस्तक की डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। और साथ ही इसे डाउनलोड करने से आप जो नए बदलाव किए गए हैं उनसे रूबरू हो सकेंगे और उन बदलावों का लाभ भी ले सकेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के समय में कोई कठिनाई, कोई तकलीफ़, कोई दिक्कतें ना हो। तो इसी सूचना, इसी जानकारी के साथ आप सभी से मेरा आग्रह कि आप हमें अनुमति दीजिए, लेकिन लगातार बने रहिए ई विद्या के साथ। आप सभी का शुक्रिया।